नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35 ए को लेकर एक बार फिर बयानबाजियों के बीच अब कश्मीर टाइम्स के दफ्तर को सील करने की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर सरकार के संपदा विभाग ने राज्य के सबसे पुराने अखबारों में से एक कश्मीर टाइम्स के दफ्तर को सील कर दिया है। कश्मीर के प्रसिद्ध अखबार कश्मीर टाइम्स पर यह कार्रवाई सोमवार को अचानक से की गई। अखबार के मालिक का दावा है कि उनके दफ्तर को सील करने में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्हें ना तो कोई नोटिस इशू किया गया और ना ही कोई पहले से जानकारी दी गई। कश्मीर टाइम्स का ये दफ्तर श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में स्थित है। अखबार के मालिक ने यह भी कहा है कि उनके अखबार का ऑफिस क्यों सील किया गया, इसका कोई कारण उन्हें नहीं बताया गया। कश्मीर टाइम्स का मुख्यालय जम्मू में है। ये दैनिक अखबार अंग्रेजी और केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा दोनों में प्रकाशित होता है। सोमवार को अचानक दफ्तर सील होने से इसका प्रकाशन नहीं हो सका। आपको बता दें कि इससे पहले कश्मीर टाइम्स की संपादक और मालिक अनुराधा भसीम जम्वाल का जम्मू स्थित घर भी सरकार ने खाली करा लिया था। अनुराधा भसीम ने कहा कि श्रीनगर में हमारे कार्यालय को बंद कर दिया गया, दफ्तर को सील करने के दौरान किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, यहां तक कि उनके दफ्तर का अलॉटमेंट भी रद्द नहीं किया गया है, ना ही बेदखली की कोई प्रक्रिया की गई। अखबार के संपादक ने कहा है कि लगभग एक महीने पहले उन्होंने ये सुना था कि प्रेस एन्क्लेव की इमारत से उनके दफ्तर को बाहर किया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में संपदा विभाग से कोई भी आधिकारिक औपचारिकता नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमने संपदा विभाग से संपर्क किया था और उनसे कहा था कि कृपया हमें आदेश की कॉपी दें, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। फिर हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ भी कोई आदेश नहीं दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।